नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। भारत फ्रांस डील पर आज होंगे अहम फैसले। 50,000 करोड़ रुपए का है कॉन्ट्रैक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में तमिलनाडु यात्रा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे, जहां शाह मदुरई में रुकेंगे, वहीं अपने परिवार के साथ मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वह पुदुकोट्टई जिले के थिरुमायम जाएंगे और कोट्टई भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज फिर से होगी सुनवाई। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता तस्लीमा अजीज अहमदी ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वाद में लिखित जवाब दाखिल कर सुनवाई की मांग की थी। भीषण गर्मी से छात्र छात्राओं के बेहोश होने की खबर के बाद एक्शन में आई बिहार सरकार, जहां सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के स्कूलों को 8 जून तक बंद करने का आदेश दिया। यूपी के देवरिया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 4 जून को 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ देंगे, फिर 6 जून को गर्मी की छुट्टी मनाने विदेश निकल जाएंगे। पीओके पर राहुल बाबा और कांग्रेस डरा रही है, अगर पाकिस्तान के पास एटम बम है तो क्या हम डरने वाले हैं? हरगिज नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि सर्वे में एनडीए को 33 सीट दिखाया जा रहा है, लेकिन बिहार में हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। मांझी ने इस दौरान विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा और कहा कि घमंडिया गठबंधन रेस में नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस फेज के लिए चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त हो जाएगा। बता दें कि 7वें चरण के तहत 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी और सभी चरण के मतगणना एक साथ 4 जून को होगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल जॉन जाने वाले हैं, जहां वह ध्यान लगाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में अब कांग्रेस ने अरंगा लगा दिया है। तमिलनाडु कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन करता है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाने की भी बात कही है। बता दें कि यह वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने कभी ध्यान किया था। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी आज सोलन के मॉल रोड पर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में रोड शो करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जहां उपराष्ट्रपति कैची धाम स्थित नीम करौली मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वे पंत नगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिक्षक वर्ग से संवाद करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सभी 4 लोकसभा सीटों के साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, जहां शिमला पहुंचे कांग्रेसी नेता पवन खेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से परेशान हो चुकी है और अब बदलाव का मन बना चुकी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना के जवानों द्वारा कथित तौर पर पुलिसकर्मी की पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि एक सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना के एक टीम ने कथित तौर पर पुलिस स्टेशन में घुसकर पुलिसकर्मियों की पिटाई की। हालांकि सेना ने मारपीट की खबर का खंडन किया और इसे निराधार बताया। वहीं पुलिस की तरफ से मामले में FIR दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि परिवारवाद ने युवाओं के सपने को रौंद दिया। पीएम ने कहा कि बौखलाई हुई है TMC सरकार, घुसपैठियों को बचाना चाहती है। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होते ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, जहां सभी पार्टियां इसे लेकर कमर कस चुकी है। वहीं इसे लेकर महायुति घटक के नेता डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने अपनी योजना को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा
कि अक्टूबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन तीनों दल मिलकर एक योग्य फॉर्मूला बनाएगी। गुजरात पुलिस ने राजकोट स्थित टीआरपी गेम जोन के एक और साझेदार आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पिछले सप्ताह लगी आग में 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक आरोपी की भी जलने से मौत हो गई थी। वहीं घटना के संबंध में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या अब तक 5 हो गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जल्दी ही तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। जहां गहलोत और डोटासरा तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे और वहां कहेंगे कि राजस्थान में हमने इतने कुकर्म किए थे। पुलिस अधीक्षक महुआ अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत फायर टीम महुआ द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों में भ्रमण कर अग्निशमन उपकरण को चेक किया गया तथा मॉक ड्रिल कर अग्निशमन उपकरण के प्रयोग करने की विधि को भी बताया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और कई अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सभी पर कथित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोर्ट की कार्रवाई को अवैध तरीके से रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया गया है। कथित तौर पर रिकॉर्डिंग को इन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें और आखिरी चरण के लिए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने पंजाब के लुधियाना में एक रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान किसानों से बड़ा वादा किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के तुरंत बाद किसान कर्जा माफी आयोग बनाने की बात कही। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होना है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तमाम कील कांटे दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ने की काम शुरू कर दी है। जहां 4 जून को मतगणना के तुरंत बाद भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा संभव है। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार किसी ब्राह्मण अथवा वंचित वर्ग के नेता पर दांव खेल सकती है। बता दें कि मौजूदा हरियाणा सरकार का नवम्बर में कार्यकाल खत्म हो रहा है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है। जहां सरकार एलटी शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए जल्दी ही एसओपी जारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा सहायक अध्यापकों को स्थानांतरण में छूट देने के बाद अब ये शिक्षक अंतर मंडलीय स्थानांतरण ले सकेंगे। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो 55 साल तक इस देश में राज किया, वे चाहते तो 50 साल पहले ही झारखंड राज बना देते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अलग राज नहीं बनाया। बाबूलाल मरांडी ने ये बात कर्माटांड के मोहनपुर पंचायत गांव में दुमका लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन के समर्थन में सभा को संबोधित करने के दौरान कही। छत्तीसगढ़ के नक्सलियों पर बड़ी सफलता मिली है। जहां बीजापुर में इनकाउंटर में 2 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मनीला मारी गई, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आखिरी चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर धर्म आधारित आरक्षण को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां उसने अल्पसंख्यक समुदायों के कुछ वर्गों को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया है, धर्म के आधार पर नहीं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले देश और दुनिया के तमाम खबरों से रह सकें अपडेट।